हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज हम बात करेंगे नूरुद्दीन फेरा। नूरुद्दीन फेरा जो है उसके बारे में, उनकी लाइफ, उनके वर्क्स और उनके इम्पोर्टेंट जो भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नूरुद्दीन फेरा जो है वो एक सोमाली नॉवलिस्ट हैं, सोमाली के नॉवलिस्ट हैं ये, और बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में अभी ज़्यादा सर्च जो है नहीं हुई है, ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इनके बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट ही एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी लाइफ, उनके वर्क्स और उनके अवार्ड से रिलेटेड, और देखेंगे, और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है इंडिया के साथ, तो देखते हैं कि इस वीडियो के थ्रू कि उनका जो है इंडिया के साथ कनेक्शन कैसे है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नूरुद्दीन फेरा, सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन उनका देख लेते हैं कि बेसिकली कौन है, क्या है। नूरुद्दीन फेरा इज अ लीडिंग सोमाली राइटर एंड प्रोफेसर नोन फॉर हिज फेमिनिस्ट एंड नेशनलिस्ट लिटरेरी वर्क्स। नूरुद्दीन फेरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोमाली राइटर हैं, और वो अपने नेशनलिस्ट और फेमिनिस्ट राइटिंग्स के थ्रू जो है वो जाने जाते हैं। बॉर्न इन सोमालिया, ही स्टडीड एट द कॉर्न स्कूल एज वेल एज द ब्रिटिश कॉर्नवालिस स्कूल। और इनका जो जन्म हुआ था वो सोमाली के अंदर हुआ था, और कॉर्न जो है स्कूल से, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उस टाइम पे, वहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई है। थ्रू हिज फैमिलीज एस्केप टू ऑगडन, ही ग्रू अप इन ए मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट एंड लर्न टू स्पीक सोमाली, इंग्लिश, इटालियन एज वेल एज अरेबिक। और क्योंकि उनकी फैमिली जो है ऑगडन से चली गई थी, और उसके बाद उनकी जो परवरिश हुई है वो एक मल्टी लैंग्वेज एनवायरनमेंट में हुई है। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उनको आती हैं, सोमाली आती हैं उनको, इंग्लिश, इटालियन और अरबिक, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनको आती हैं। वाइल परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया, ही डिसाइडेड टू बिकम ए राइटर एंड सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल। और इंडिया से कनेक्शन ये देखिए यहाँ पे है कि उनकी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो इंडिया से हुई थी, और उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको राइटर बनना है, और उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल जो है वो पब्लिश किया था। इन मिड 1970s राइटिंग करियर केम टू अब्रप्ट हॉल्ट व्हेन ही द कैंडिड पोर्ट्रेयल ऑफ द सोमाली सोसाइटी इन हिज नॉवल्स अंडर द डिक्टेटर मैक्समेड शियाद बेरे रूल्स गॉट हिम इन टू ट्रबल एंड ही वॉज फोर्स्ड इन टू एग्जाइल। और उनके कैरियर में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आई 1970 के टाइम में, क्योंकि उन्होंने एक वर्क लिखा था नॉवल के में जो है, उन्होंने जो वहाँ पे सोमाली के अंदर डिक्टेटर था मैक्समेड शियाद बेरे, उनके रूल के बारे में जो है उन्होंने कुछ लिख दिया था, और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए थे, और उन्होंने उनको जो है देश निकाले की सिचुएशन जो है उनकी आ गई थी, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को एग्जाइल कर लिया था, अपनी कंट्री से वो चले गए थे। ड्यूरिंग एग्जाइल ही वंडर्ड अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और एग्जाइल के टाइम वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमते रहे, एंड टॉट एट जर्मनी, इटली, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे इस एग्जाइल के टाइम पे उन्होंने जो है अब जर्मनी, इटली, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है पढ़ाया था। He didn't return to his home country for 22 years, and during this time he published some of his most notable trilogies, such as a variation on the theme of an African dictatorship and Blood in the Sun. तो जब वो एग्जाइल में थे तो वो 22 years तक जो है अपने होम टाउन जो है, अपनी कंट्री जो है वापस नहीं गए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि जो वहाँ पे सोमाली में जो डिक्टेटर हैं उस टाइम पे जो रूल कर रहे हैं वो उनको अरेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो अपने आप ही एग्जाइल हो गए थे, और 22 years तक वो वापस अपनी कंट्री नहीं गए थे। इन बिटवीन उन्होंने जो है अपने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायलॉजी जो है वो पब्लिश की थी। फर्स्ट थी वेरिएशंस ऑन द थीम ऑफ अफ्रीकन डिक्टेटरशिप, और सेकंड थी ब्लड इन द सन।
He used his works to discuss his opposition to Somali cultural norms and analyze the post-colonial dictatorship, war and declining state of Africa. उन्होंने अपने जो बॉक्स के अंदर जो है वो दिखाया है, एनालाइज किया है, अपोजिशन की है, जो पोस्ट कॉलोनियल डिक्टेटरशिप थी उसके बारे में बताया है, वॉर के बारे में बताया है और डिक्लाइंग स्टेट जो अफ्रीका के थे वो सारी सिचुएशंस जो है उन्होंने अपने बॉक्स के अंदर शो की है. Most recurrent theme in his writing are women rights, the relationship between industrialized and developing countries, and the pre-Islamic understanding of religion in Somalia. और जो most important theme रही है उनकी writings के अंदर वो रही है women rights की. Women के rights के बारे में उन्होंने लिखा है. उन्होंने लिखा है जो developed countries थी और developing countries थे उनके relationship के बारे में write किया है, और रिलीजन की जो प्री इस्लामिक कंडीशंस थी, जो क्या सिचुएशन थी प्री इस्लामिक रिलीजन से पहले, तो वो सोमाली के अंदर उन सब के बारे में जो है उन्होंने लिखा है. ये मोस्टली उनकी थीम रही है. और अभी उनके बर्थ के बारे में और उनके डिटेल में हम अभी बात करेंगे. ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है. With rich imagination and refreshing use of his adopted language, he became one of the most celebrated writer of Somalia. और उनकी imagination और उनकी जो language उन्होंने adopt की थी उससे वो most celebrated writer हैं Somalia के अंदर. बहुत ही ज़्यादा important writer हैं. net में direct question जो है इन पर पूछा गया है. कोई भी घुमा फिरा के नहीं पूछा, इनके trilogy के ऊपर ही जो है works के ऊपर ही question पूछा गया है. और डिटेल में ही नहीं है और डायरेक्ट ही क्वेश्चन है. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं नूरुद्दीन फेरा. तो इनके सबसे पहले बात करते हैं इनके चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ के बारे में. नूरुद्दीन फेरा वाज बोर्न ऑन November 24, 1945 इन बाइडोया सोमालिया. और नूरुद्दीन फेरा का जो बॉर्न हुए थे वो 24 November 1945 के अंदर सोमालिया के अंदर ये बॉर्न हुए थे. फादर हसान फेरा ए ट्रांसलेटर फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट. उनके फादर जो थे नूरुद्दीन फेरा के, वो फादर का नाम है हसान फेरा और वो एक ट्रांसलेटर थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर. मदर एलिली फेदुमा रिकॉग्नाइज सोमालियन राइटर. और उनकी मदर जो थी वो एलिली फेदुमा थी और जो उनके जो बहुत ही ज़्यादा सोमाली के अंदर एक रिकॉग्नाइज राइटर रही हैं. एट ए यंग एज नूरुद्दीन मूव टू ऑगडन रिलीजन टू इथोपिया वेयर हिज फादर वर्कड एज एन इंटरप्रेटर फॉर द ब्रिटिश. और जब वो बिल्कुल छोटे ही थे तब उसके फादर जो है वो इथोपिया चले गए थे क्योंकि वहां पे उसके फादर जो है एज इंटरप्रेटर का काम करते थे. ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम स्कूल्स इन सोमाली एंड इथोपिया एंड स्टडीड इंग्लिश अरबिक एंड अमेरिक. और जब वो स्कूल्स में थे उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो सीख ली थी सोमालिया और इथोपिया के अंदर. जब वो स्कूलिंग कर रहे थे तो उन्होंने इंग्लिश अरबिक और जो है अमेरिक जो है वो उन्होंने सीख ली थी ये लैंग्वेज. इन 1963 इयर्स आफ्टर सोमालिया इंडिपेंडेंस हिज फैमिली वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम द ऑगडन एज अ रिजल्ट ऑफ सीरियस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स. और 1963 के अंदर बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सोमाली बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उनकी फैमिली को जो है वहाँ से जाना पड़ा था. The following year he took up a job as a clerk typist with Somalia Ministry of Education. और उसी ईयर जो है उन्होंने क्लर्क की जॉब जो है वो कर ली थी सोमालिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर. In 1966 he got enrolled at the Punjab University in Chandigarh, India and graduated with a degree in philosophy, literature and sociology in 1970. और ये इंडिया का कनेक्शन कैसे है, ये उन्होंने जो है 1966 के अंदर अपने आप को एनरोल किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो कि इंडिया में है. और यहाँ से जो है उन्होंने 1970 के अंदर जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की थी फिलोसफी लिटरेचर और सोशोलॉजी के अंदर. अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं. इन 1970 ही मैरिड चित्रा म्यूली
वीमन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और 19 ये भी इंडिया से कनेक्शन है कि जो उनकी जो मैरिज हुई थी वो चित्रा के साथ, वो जो चित्रा थी इनकी वाइफ वो भी इंडियन ओरिजिन की थी, तो काफी इम्पोर्टेंट रिलेशन है इनका इंडिया के साथ। द यूनियन बोर हिम अ चाइल्ड नेम्ड कोस्टीन बट इट वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड द कपल डिवोर्स इन 1972, और इन दोनों का जो है एक बेटा था, बेटा है कोस्टीन, तो ये लेकिन बाद में जो है इनकी वाइफ के साथ इनका डिवोर्स हो गया था 1972 के अंदर। In 1992, Furudin Farah married Amina Amama, a Nigerian British writer. और 1992 के अंदर इन्होंने है जो सेकेंड मैरिज की एक नाइजीरियन ब्रिटिश राइटर जो कि अमीना मेमा है। द कपल इज ब्लेस्ड विद टू चिल्ड्रन अबेयान एंड खाइया खाइए, तो काहिए काहिए ये जो है इनके दो बच्चे हैं। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अब है उनका कैरियर। आफ्टर पब्लिशिंग ए शॉर्ट स्टोरी इन हिज मदर टंग ही बिगन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की जो कि इनकी मदर टंग में थी, सोमाली में थी, उसके बाद जो है उन्होंने इंग्लिश में राइट करना स्टार्ट किया। इन 1970 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल फ्रॉम अ crooked ribbed a story of a nomad girl who flees from an arranged marriage to a much older man. और 1970 के अंदर इनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ, नॉवल का नाम था फ्रॉम अ crooked ribbed, ये स्टोरी एक जो नोमैड घुमक्कट लड़की की स्टोरी थी जो कि अपनी शादी से भाग जाती है क्योंकि उसकी शादी जो है एक ओल्डर मैन के साथ हो रही थी, ओल्ड मैन के साथ हो रही थी तो वो अरेंज मैरिज से भाग जाती है, तो ये स्टोरी थी इसकी। His next novel, Naked Needle, 1976, earned him the fury of the Somalian dictatorial regime. और जो उनका next novel आया जिसकी वजह से जो है उनको एग्जाइल में जाना पड़ा, ये इनका वर्क का नाम था ए नेकेड नीडल, जिसकी वजह से सोमाली की जो डिक्टेटरशिप डिक्टेटर गवर्नमेंट थी उस टाइम की वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। It was a tale of interracial and cross-cultural love and revealed a picture of post-revolutionary Somali life in the mid-1970s. और बेसिकली जो ये इस वर्क की स्टोरी थी वो स्टोरी के अंदर जो है इंटररेशियल जो है और क्रॉस कल्चरल लव के बारे में दिखाया गया है, तो उसकी वजह से जो है इसमें ये भी शो किया गया है पोस्ट रेवोल्यूशनरी सोमाली लाइफ दिखाई गई है 1970 के बाद की अ नेकेड नीडल के अंदर। During a tour to Europe, Nuruddin Farah came to know that the Somali government planned to imprison him over the content of his last book. और जब नूरुद्दीन जो है यूरोप के एक ट्रिप पे थे तब उन्हें पता चला कि सोमाली गवर्नमेंट जो है उनको इम्प्रिजन करना चाहती है, उनको जेल में डालना चाहती है बिकॉज उनकी लास्ट बुक के अंदर जो कंटेंट था उसकी वजह से, नेकेड नीडल का जो कंटेंट था उसकी वजह से उनको जेल में डालना चाह रही है। As a result, he began a self-imposed exile that lasted for 22 years. और इसकी वजह से उन्होंने अपने आप के ऊपर ही सेल्फ जो है एग्जाइल जो है वो इम्पोज कर लिया और 22 years तक वो अपनी कंट्री वापस नहीं आए, चले गए वहाँ से अपनी कंट्री छोड़ के। ट्रायोलॉजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो इनकी ट्रायोलॉजीज के ऊपर आए हैं, तो देखते हैं इनकी ट्रायोलॉजीज कौन कौन सी हैं। He spent the next decade traveling around Africa and Europe but refused to move to the United States where many universities were inviting him. और उसके बाद के जो years थे उन्होंने अफ्रीका और यूरोप के अंदर जो है वो travel किया और वहाँ पे गए, उसके बाद जो है काफ़ी US की universities ने उनको invite किया but उन्होंने जो है refuse कर दिया उनका invitation. He served as a guest lecturer in several universities in US, Germany, Italy, Sweden and India. और वो as a guest lecturer रहे हैं बहुत सारी universities के अंदर, Germany, Italy, Sweden और India के अंदर। In 1979, Nuruddin Farah started a trilogy called Variations on the theme of an African dictatorship with the book title Sweet and Sour Milk. और उसके बाद जो है 1979 के अंदर इन्होंने ट्रायोलॉजी स्टार्ट की
जिसका नाम था वेरिएशंस ऑन द थीम ऑफ एन अफ्रीकन डिक्टेटरशिप। और उस बुक के अंदर जो पहला पार्ट था वो था स्वीट एंड सोर मिल्क। इट वॉज फॉलोड बाई द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायलॉजी कार्ड सार्डिनस 1981 एंड द लास्ट वन क्लोज सीसेम 1983। और ये जो थे बेसिकली इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी के पार्ट थे। तो ट्रायलॉजी का नाम था वेरिएशन ऑन द थीम ऑफ एन अफ्रीकन डिक्टेटरशिप। और उसके अंदर फिर फर्स्ट बुक थी इनकी जो ट्रायलॉजी का फर्स्ट पार्ट था वो था स्वीट एंड सोर मिल्क, सेकेंड पार्ट था सार्डिनस और थर्ड पार्ट था क्लोज सीसेम। ये जो है तीन पार्ट थे और ये बेसिकली ट्रायलॉजी थी, इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी थी। In 1990, he received a grant from the German Academic Exchange Service and moved to Berlin. उसके बाद 1990 के अंदर जर्मन गवर्नमेंट ने उनको जो है स्कॉलरशिप दी और उसके बाद फिर वो बर्लिन चले गए। In 1996, he visited Somalia for the first time after 22 years of exile. और 1996 के अंदर वो सोमाली में उन्होंने विजिट किया और ये 22 इयर्स के बाद जो है एग्जाइल के 22 इयर्स के बाद जो है अपनी कंट्री वापस गई थी। उसके बाद इनकी सेकंड ट्रायलॉजी जो आई वो आई ब्लड इन द सन। ये इनकी सेकंड ट्रायलॉजी थी एंड पब्लिश जो हुई थी वो 1986 के अंदर हुई थी। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था मैप्स 1986 के अंदर ये फर्स्ट पार्ट आया इनका। जो सेकंड ट्रायलॉजी थी, सेकंड ट्रायलॉजी का नाम था ब्लड इन द सन। द सेकंड एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रायलॉजीज आर, सेकंड पार्ट था गिफ्ट्स जो कि 1993 के अंदर पब्लिश हुआ एंड थर्ड पार्ट था सीक्रेट्स जो कि 1998 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो 2018 के अंदर इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इनकी ब्लड इन द सन ट्रायलॉजीज के पार्ट आपको फोर ऑप्शन मिले थे, मैप्स, सीक्रेट्स, गिफ्ट्स एंड फोर्थ वन दिया गया था आपको इसका नोट्स। लेकिन नोट्स जो है इस ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं था, तो आपको जो है एक रॉन्ग आंसर बताना था कि कौन सा है। तो ब्लड इन द सन के जो है पार्ट्स ये थे, गिफ्ट, सीक्रेट्स एंड नोट्स, गिफ्ट, सीक्रेट्स एंड मैप्स, बट नोट्स नहीं था। तो राइट आंसर नोट्स था इसका, कि नोट्स इसका पार्ट नहीं था। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है अभी नूरुद्दीन फेरा के ऊपर। मेजर जो राइटर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना सारा वर्क हो रखा है, जैसे जो है वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, जेन ऑस्टेन, मैरी शैली, तो जो इस टाइप के मेजर राइटर्स हैं उनके, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्क के डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन ऐसे राइटर्स जो हैं जिनके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इनका ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, इनकी ट्रायोलॉजी थी, पूछा गया था ब्लड इन द सन के पार्ट बताने थे आपको, कौन कौन से पार्ट है, कौन सा एक पार्ट नहीं है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये इसकी सेकेंड ट्रायोलॉजी थी और ये इनके पार्ट थे। नेक्स्ट है, इन 2004 ही बिगेन ए न्यू ट्रायलॉजी पास्ट इन इम्परफेक्ट ट्रायलॉजी विद द नोवल टाइटल लिंक्स। और उसके बाद 2004 के अंदर इन्होंने थर्ड अपनी ट्रायलॉजी स्टार्ट की जिसका नाम था पास्ट इन इम्परफेक्ट। और जो इसका पहला जो नोवल था वो था लिंक्स जो कि 2003 के अंदर पब्लिश हुआ। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायलॉजी इज नोट्स वॉज पब्लिश इन 2007 एंड द फाइनल पार्ट इज क्रॉस बॉन्स इन 2011। तो ये थर्ड ट्रायलॉजी थी, थर्ड ट्रायलॉजी का नाम था पास्ट इम्परफेक्ट और इसका फर्स्ट नॉवल था लिंक्स, सेकंड पार्ट था नोट्स और इसका थर्ड पार्ट था क्रॉस बॉन्स। तो ये इस तरह से तीन ट्रायलॉजी जो है उन्होंने राइट की है और तीन ट्रायलॉजीज के थ्री थ्री पार्ट्स हो गए हैं। तो ये जो है नाइन जो है वर्क्स हो गए हैं इनके। तो यही वर्क्स के ऊपर ही क्वेश्चन था इनका। Besides being a novelist, he is regarded as important scholar with Somali studies. Somali studies के अंदर बहुत ही important scholar वो माने जाते हैं basically. He is also a member of the International Advisory Board of Bildhan, an International Journal of Somali Studies. Somali studies के लिए एक international journal है, उनके अंदर भी ये एक member है।
मेजर वर्क्स इनके कौन कौन से हैं। इन 1917 नूरुद्दीन फिरा रोट हिज फर्स्ट नॉवल टाइटल फ्रॉम अ क्रिप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड वर्क। और जो 1970 के अंदर जैसे पहले भी बताया था हमने, उन्होंने एक वर्क राइट किया था फ्रॉम ए क्रिप्ट रिब्ड, और जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था। इट पोर्ट्रेट द डिटर्मिनेशन ऑफ वन वीमेन टू मेंटेन हर डिग्निटी इन द सोसाइटी एंड एस्टेब्लिश हिम एज अ मेल फेमिनिस्ट। और इसकी स्टोरी के अंदर एक वीमेन की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो अपनी डिग्निटी सोसाइटी के अंदर मेंटेन करती है और अपने आप को एस्टेब्लिश करती है एक मेल फेमिनिस्ट की तरह। In 1986, work title Maps for the first part in the Blood in the Sun trilogy earned him much recognition as a novelist. और as a novelist उन्होंने जो उनको जो recognition मिली थी, जो पहचान मिली थी, वो मिली थी उनका जो trilogy आई थी Blood in the Sun trilogy के अंदर, जो उनका first work आया था Maps, उनकी वजह से जो है उनको ज़्यादा recognition मिली थी। This book is set during the Ogden conflict in 1977 का Ogden conflict इसके अंदर शो किया गया है इस बार के अंदर, and makes use of second person narration technique of inquire about the cultural identity in a post independence world। और इस बार के अंदर शो किया गया है कि cultural identity जो है वो post independence world के अंदर शो की गई थी। Hiding in the Plain Sight ये इनका नॉवल है जो कि 2014 के अंदर पब्लिश हुआ था। दैट शोज द एंशोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बेला एंड हर ब्रदर्स विडो बिकम ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द नॉवल। और इनका एक और नॉवल है हाइडिंग इन द प्लेन साइट जो कि 2014 के अंदर पब्लिश हुआ था, उसके अंदर दिखाया गया है बेला और उसके ब्रदर की जो विडो है उनके बीच में जो है कैसे कन्फ्लिक्ट जो है वो शो किया गया है, ये पूरा इस नॉवल की में शो किया गया है। और 2000 के अंदर इनका वर्क आया था टेरिटरीज, 2018 के अंदर आया था नॉर्थ ऑफ द डॉन। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट और मेजर वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं। शॉर्ट फिक्शन भी इन्होंने राइट किया है, शॉर्ट फिक्शन में इनका है 1965 के अंदर इनको आया है वाई डाई सो सून, ये इनका शॉर्ट फिक्शन था। 2014 के अंदर आया है द स्टार्ट ऑफ द अफेयर। इन्होंने कुछ प्लेस भी राइट किए हैं, टू प्लेस जो हैं वो इन्होंने राइट किए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। 1965 के अंदर लिखा था ए डैगर इन वैक्यूम, और नेक्स्ट था द ऑफरिंग लोटस। कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स भी हैं जो इनके इम्पोर्टेंट हैं। 2000 में आया था यस्टरडे टुमारो वॉइसेस फ्रॉम द सोमाली डायस्पोरा। 2013 के अंदर आया था नेल्सन मंडेला द टॉक ऑफ द टाउन। 2017 के अंदर दिस इज व्हाट हंगर लुक्स लाइक अगेन। अब इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। In 1980 he was honored with the English Speaking Union Award. 1980 के अंदर इनको English Speaking Union Award दिया गया था। He has also been the Kurt Tucksley Prize in Sweden and the Letterary Ulysses Award in Berlin. और ये दो अवार्ड जो है इनको दिए गए थे। In 1998 नूरुद्दीन फेरा received the Nowset International Prize for Literature, a highly prestigious literary award given by the University of Oklahoma and its journal World Literature Today. तो University of Oklahoma के से उनको जो है एक बहुत ही important international prize मिला था, New Sadat जो है ये prize था जो उनको 1998 के अंदर मिला था। He has been nominated many times for the Nobel Prize in Literature but hasn't won one yet. उनका nomination जो है Nobel Prize के लिए बहुत बार हो चुका है but अभी तक उनको मिला नहीं है। He has been described as one of the cornerstone of modern East African literature today. और उनको जो है cornerstone माना जाता है East modern East African literature के अंदर, बहुत ज़्यादा important writer है नूरुद्दीन फेरा। और आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि नेट का एग्जाम भी है जो है पास में ही आ गया है,
आई होप कि ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इनके अंदर ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनके वर्क के अंदर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादा नॉन नहीं है नूरुद्दीन फेरा, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो सिंपल आप इनके वर्क्स के नाम याद कर लीजिए तो, और अवार्ड्स के नाम याद कर लीजिए तो उन्हीं में से जो है वर्क्स के नाम में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू वंस अगेन।